महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के मार्गदर्शन में ट्रांजिस्ट कैंप म्यूनिसिपल स्कूल धारावी में बच्चों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन व वार्ड 184 के नगर सेवक हाजी बब्बू खान ने नगर सेविक निधि से पीने के पानी का टाकी लगाया, जिसका उद्घाटन वर्षा गायकवाड़ के हाथों से किया गया। मुंबई महानगर पालिका का जो स्कूल धारावी में है, टाइनिस कैम म्यूनिसिपल स्कूल, इस स्कूल में कम से कम हमारे मुंबई शहर में, खास करके जितने भी महानगर पालिका के स्कूल हैं, ये एक स्कूल एक अजब ही स्कूल है कि पूरे मुंबई में महानगर पालिका के स्कूल से बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन धारावी का ये म्यूनिसिपल स्कूल ऐसा है कि यहाँ पर बच्चों की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊँ तो 7 से 8 हज़ार बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, और ये स्कूल एक तारीखी स्कूल है कि यहाँ पर इतने बच्चे महानगर पालिका के स्कूल में अच्छी एजुकेशन के साथ, सारे टीचर और वहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा सेटअप जो है, जो आपने देखा है यहाँ पर अच्छे तरीके से, ये एक हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि धारावी में एक ऐसा स्कूल, और इस बार तो उसमें और ज़्यादा इजाफा सिर्फ इसलिए हुआ है कि कोरोना के पीरियड में जो माँ बाप अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल में जो फीस नहीं भर पा रहे थे, उन लोगों को आज महानगर पालिका का स्कूल ही अपने बच्चों को मिल रहा है, और वो लोग बड़ी तादाद में इस महानगर पालिका के स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं। लेकिन वहाँ की सुविधाएं, वहाँ के एजुकेशन अच्छी होने के बिना पे वहाँ पे इस तरीके की आज एडमिशन बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। इसके लिए हमारे इलाके के MLA और महाराष्ट्र शासन के शिक्षा मंत्री मैडम वर्षाताई गायकवाड़ के आदेश अनुसार हम लोगों ने उस स्कूल में पानी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बच्चे लोगों को जो पानी पीते थे, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने आते हैं वहाँ, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के बच्चे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और वो बच्चे डायरेक्ट नल से पानी पिया करते थे। तो हम लोग ने खास करके महानगर पालिका में हमारी नगर सेवक निधि से हमने वहाँ पे प्याऊ बना के लिए हैं, उसके अंदर मशीनें लगाई हैं, उसके अंदर बिल्कुल साफ और गर्म ठंडा हर तरीके के पानी की व्यवस्था है, और ये पानी बच्चे पीने के बाद में किसी भी तरीके की बीमारी से महफूज रहेंगे, क्योंकि महानगर पालिका के स्कूल में बच्चे बीमार हों ये खास करके मेरे होते हुए तो नहीं हो सकता। और हम लोगों ने ये प्लान किया कि हमने वहाँ स्कूल में चारों सेट, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी बच्चों की है, दूसरी चीज़ वहाँ पर एरिया भी बहुत बड़ा है, इसके लिए हमने स्कूल के चारों तरफ एक एक प्याऊ बनाया है, उसके अंदर मशीनें लगाई हैं, और इसी का आज हमने वहाँ पे उद्घाटन रखा था। मैडम वर्षाताई गायकवाड़ हमारी शिक्षा मंत्री और इस इलाके की MLA, उनके हाथों से वहाँ रिबन काटा गया, इस प्रोग्राम में काफ़ी लोग शरीक हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने प्रोग्राम को आज ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि अभी स्कूल में बच्चे नहीं हैं, फिर भी हमने इस कार्यक्रम को किया और उसका उद्घाटन सिर्फ इसलिए किया कि हमारे महानगर पालिका के इस स्कूल में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर चालू है, और उस सेंटर में रोज़ का 1000 से 1500 लोग वहाँ पे वैक्सीन लेने जा रहे हैं। वहाँ पे पानी पीने के लिए उनको लगता है पानी की सुविधा नहीं थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए, और हर रोज़ हमारे जो वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं वो वहाँ जाते हैं और उसको उस प्याऊ से अब वो पानी पियेंगे ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा हो। जिस फायदे के लिए उस चीज़ को बनाया गया था उसका फ़ायदा आज से लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़, वैक्सीन वहाँ पर ली जा रही है और एक बड़ा सेंटर है, और आपके माध्यम से मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग भी जाओ और वैक्सीन लो, और अगर किसी को वहाँ पे लाइन में लगने में वैक्सीन नहीं मिल रही है या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आ जाते हैं तो वार्ड नंबर 184 के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़्यादा लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑफिस में आके मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह
उनको हर तरीके से सुविधा के साथ उनका वैक्सीन लगा के देंगे। सीनियर सिटीजन है उनकी भी रिपोर्ट दो तो महानगर पालिका ने उनको घर पे वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम शुरू किया है। ऐसे भी लोग रहेंगे तो हमको बताएंगे तो हम उनको घर पे भी वैक्सीन लगवाएंगे। जो लोग वहाँ जाके वैक्सीन लगाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनको जिस तरीके की भी सुविधा चाहिए मैं उनको आसानी से वैक्सीन लगवा के दूंगा। ये मेरा आप लोगों के लिए मेरा वादा नहीं बल्कि मैं ये काम करा रहा हूँ और आप लोग इसको जिसको भी ज़रूरत है वो मेरे कॉन्टेक्ट में और मेरे ऑफिस के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये बड़ा आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।